चिरमिरी कोयला खान क्षेत्र के एनसीपीएच कालरी के उप क्षेत्रीय में प्रबंधक कार्यालय में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र प्रबंधक ने महात्मा गांधी के छाया चित्र और पंडित लाल बहादुर शास्त्री के छाया चित्र में पुष्पहार कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। सर पर उप क्षेत्रीय प्रबंधक एसपी त्रिपाठी ने कार्यालय में उपस्थित कामगारों को महात्मा गांधी जी एवं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया, साथ ही उनके आदर्शों और अनेक जीवन के प्रेरणा लेने की सीख बताते हुए विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की जानकारी दी। क्रमिक प्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने भी बापू जी के बारे में अपने परिवार प्रकट किए। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय अभियंता प्रमोद धड़से से एरिया जेसीसी सदस्य नूरुद्दीन देशमुख, राजेश द्विवेदी के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी एवं श्रमिक प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सर्वप्रथम मनीष तिवारी लिपिक द्वितीय पुरस्कार, बनावाली राम विश्वकर्मा वरिष्ठ लिपिक तृतीय पुरस्कार श्रीमती पूनम को प्राप्त हुआ। कार्यालय में पदस्थ श्रीमती अर्चना अग्रवाल, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति जानी, श्रीमती पूनम पंदवारा एवं श्रीमती सरिता के द्वारा बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम प्रस्तुत कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इस अवसर पर क्रमिक प्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने मीडिया को महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के बारे में सभी को बताया। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक कार्मिक, एनसीपीएच उप क्षेत्र में पदस्थ हूँ। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई, माल्यार्पण किया गया और साथ ही एक भाषण प्रतियोगिता की गई, जिसमें उप क्षेत्र के सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी की विचारधारा तथा उनके आध्यात्मवाद, दर्शनवाद, स्वच्छता, सत्य, अहिंसा, रोजगार, ग्रामीण समस्याएं, ग्रामीण रोजगार, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर काफ़ी व्यापक चर्चा हुई और आज के परिवेश में गांधी जी के विचारधारा को कैसे उपयोग में लाते हुए या विचार करते हुए हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी व्यापक परिचर्चा हुई। आपने कहा कि कार्यालय में प्रतियोगिता हुई, कौन सी प्रतियोगिता हुई और क्या क्या हुई, प्रतियोगिता में किसको इनाम मिला ये बता पाएंगे? हाँ, आज यह प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता मुख्य रूप से हुई और जिसमें करीब 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जो प्रथम पुरस्कार था वो मनीष तिवारी जी को मिला। द्वितीय पुरस्कार मनीष तिवारी जी किस पद में है? मनीष तिवारी लिपिक के पद पर है और बनमाली जो टाइम कीपर हैं उनको द्वितीय पुरस्कार तथा श्री सोमनाथ प्रधान को तृतीय पुरस्कार, जो कि स्टोर कीपर के पद पर है, उनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और कोई प्रतियोगिता हुई क्या? नहीं, और कोई प्रतियोगिता महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करी क्या? महिलाएं भी पार्टिसिपेट की और पूनम पवार को भी पारितोषिक मिला है इस कार्यक्रम में। तीन चार महिलाएं मेन रूप से अपना अपना पक्ष रखी और काफी व्यापक परिचर्चा हुई गांधी विचारधारा पर। रिपोर्ट बाय आर स्टीफन, समाचार इंडिया, न्यूज़ छत्तीसगढ़।